विगत 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जयंती समारोह था। वहीं संयुक्त मंच एवं भीम आर्मी व अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग समस्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 14 अप्रैल युग परिवर्तक महामानव भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता रोहत आदिवासी कांति भाई आदिवासी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलकर उनके मिशन को सफल बनाना है तथा हमारे हक अधिकार आरक्षण और संविधान को बचाना तमाम दलित आदिवासी पिछड़े जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज जो समाज के नाम का जाति प्रमाण पत्र लगाकर विधानसभा और लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि जा रहे हैं वे हमारे समाज की आवाज को नहीं उठाते हैं और बड़े शर्म की बात है। अब हमें ऐसे जनप्रतिनिधि को लोकसभा और विधानसभा में भेजना है जो हमारे समाज की आवाज को उठाकर हमारे हक अधिकार को बचाने का काम करे। वहीं रोहत ने यह भी कहा कि कल भाजपा और उनकी मानसिकता के लोगों द्वारा बाबा साहेब की मूर्ति को दूध से धोकर पवित्र करने की उनकी पुरानी संस्कृति का काम कर उन्हें भगवान बनाने की कोशिश की, जिसकी घोर निंदा करते हुए आज बहुजन आदिवासी समाज ने बाबा साहेब मूर्ति को पानी से धोकर पुणे महापुरुष बनाने का काम किया ताकि पूरा विश्व इस महापुरुष को युगों युगों तक याद करे। वहीं 5 ऊंट गाड़ी पर 20 महापुरुषों के कटआउट और 2 घोड़ों के साथ विशाल वाहन और पैदल रैली राणा पूंजा भील सर्कल रेती स्टैंड से आरंभ हुई, जो उदयापोल सूरजपोल टाउन हॉल बापू बाजार दिल्ली गेट विनी बाजार हाथीपोल चटक सर्कल होते हुए डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पहुंची। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पर संविधान निर्माता बाबा साहेब की फोटो लगा, नीला झंडा पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं लगाने पर पुलिस अधीक्षक के प्रति बहुजन समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया, जो पुलिस अधीक्षक की जातिवाद मानसिकता का होना जाहिर होता है, जबकि बाबा साहेब का फोटो वाला झंडा किसी भी धर्म या धार्मिक झंडे की श्रेणी में नहीं आता है। सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट पीआर सालवी सुख संपत बागड़ी मीणा भीम आर्मी जिलाध्यक्ष कुंदन खोकावत कन्हैया लाल डामोर रोशन मेघवाल अनिल पणोर हेमेंद्र मेघवाल दिनेश माली शंकर लाल सालवी अरविंदर सिंह सरदार सिंह मोहनलाल सालवी शेखर लोट सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे।